जरमरे धनमर धर्मर नंदन कहुची भूत रहस्य स्थिर कर मन वायु पंच गुण मध्य चतुर्थ कही पंचम गुण क्षेपण वर्णना करुचि शरीररु जेउ वस्तु निर्गत हेउचि क्षेपण गुण ही ताहा सफल करुचि टेकाटिए हस्ते धरी दूरे फिंगी देले वायुर क्षेपण गुण टेका नेई गले मुख गह्वररु लाल छेप बांति झरे यही क्रिया मध्य वायु क्षेपण ही करे संभोग बा कामनारे वीर्यपात हुए क्षेपण द्वारा ही यह संगठित हुए मन मध्ये शब्द नाद भाषा सृष्टि हुए क्षेपण क्रिया रे ताहा बाहर को जाए क्षेपण क्रिया रे क्रोध युक्त होई जीव जे प्रहार करे वायुर क्षेपण गुण तहिरे प्रसरे सप्त स्वर पिंड मध्ये करे गुंजरण कंठ दंत जिह्वा पाटी करे उच्चारण यही उच्चारण क्रिया क्षेपणर अंश क्षेपणरे निष्कासन अटई निश्वास श्वेत मल मूत्र पूज रक्त आदि जेते शरीररु लोम अबा निर्धारित पथे क्षेपण क्रियारे ताहा निर्गत हुई यही सूक्ष्म अलौकिक केही न जानई जदि सही वस्तु पिंडु बाहर न हेब पिंड को दूषित करी नष्ट करि देब तो शरीर रक्षा पाई तोर अज्ञातरे केते कल्याण झरुची मने भाव थरे एहा कौन नुहे पिता अलौकिक लीला न जानी न बुझी किंपा हेउछु बाउला वायु गुण पिंड मध्ये केऊ कर्म करे कहिली बुझाई तोते अति संक्षेप रे एहार विस्तृत रूप कही न हुई केवल साधने अनुभव को आसई वायु परी जल मध्य पंच गुण धरी रही अछि ब्रह्माज्ञारे तो पिंड आबोरी सही पंच गुण नाम वर्णना करुछि पिंडे जल तत्व ज्ञान बुझाई देउछि प्रथमरे शुक्र द्वितीयरे अटे मज्ज तृतीये सुनीत चतुर्थरे मल सज्ज पंचम कारणु मूत्र सृष्टि होई थाए तोहरी पिता इच्छारे संचालित हुए एथरक यही ठारे रहुचि रे धन कल्याण करुचि स्थिर हेउ तोर मन तोर मंगलाकांक्षी पिता।